अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भैया बताएं, आप सब लोग दो दिन से काफी चक्का जाम और थाने पर घेराव जैसी स्थिति बनी हुई थी, क्या कुछ पूरा मामला था और क्या उसका निष्कर्ष? हमारे प्रशासन से एक ही बात थी कि जो अब किसी ने अपराध किया है, किसी ने खुलेआम गोली चलाई है और संख्या बल के आधार पर रिपोर्ट डाल के उन 8 लोगों को उठा लिया गया, पर जो जिसके खिलाफ जिसने गोली चलाई है उसके खिलाफ ना FIR दर्ज हो रही थी। तो हम लोगों ने कल सुबह से संघर्ष किया, सभी हिंदू समाज के लोग, समस्त हिंदू सभी मेरे भाई 2000-3000 की संख्या में हम लोगों ने कल चक्का जाम किया। प्रशासन के कान पे जू रहेंगी, जब जाके कहीं थोड़ा उन्होंने FIR दर्ज की, परंतु उसमें भी उन्होंने 307 नहीं लगाई, तब जाके हमने फिर आज वापस एकत्रीकरण किया और 307 लगाने की डिमांड की। क्या कुछ अभी वहाँ पे धाराएं लगी हो, कितने आरोपों के दर्ज हुआ? हाँ, अभी हमें सूचना मिली है कि धाराएं बढ़ी है और अपराधी तो अभी एक ही है। आपका परिचय? मेरा नाम भोजराज सिंह ठाकुर और मैं सभी समस्त हिंदू भाइयों को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ उनसे आगे के लिए भी कि ऐसा ही एका बनाए रखना, हमारा हिंदू समाज कभी भी जाति में ना बटे, हिंदू समाज एक रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं पिछले दो दिनों से एक घटनाक्रम चल रहा है, आज आपने कोर्ट में आरोप फरियादी को भी पेश किया, 164 के बयान भी हुए, क्या कुछ सर कार्रवाई हुई आगे? ये एक छेड़खानी की घटना के बाद में एक फायर करने की भी घटना हुई थी साथ साथ, तो इसमें एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था फायर करने का, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई है कि इसमें एम्ड फायर किया गया था और कोई व्यक्ति जो है फरियादी जो भाग रहा था उसको पीछे से दौड़ करके फायर करने के कारण इसमें विवेचना में जब तथ्य आए हैं, बयान आए हैं और CCTV फुटेज भी प्राप्त हुए हैं, इस आधार पर धारा 307 IPC और 25-27 और SC ST एक्ट के तहत इसमें धाराएं बढ़ा दी गई हैं इन्वेस्टिगेशन में, और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी। सर, क्या काजी की गिरफ्तारी होगी? 307 मामला दर्ज। इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक जो जो कार्रवाइयाँ होंगी वो सभी की जाएंगी, अभी फिलहाल जो मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर बताएं, IA थाने में जो परसों काजी साहब आए थे, क्या मामला हुआ था और आज उनके ऊपर कौन सी धाराएं बढ़ाई गई हैं? थाना IA क्षेत्र में एक प्लॉट चल रहा था जिसके जांच की जा रही थी थाने का, उसमें कुछ नए सबूत मिले हैं, एक वीडियो फुटेज वगैरह मिला है और कुछ अन्य गवाहों के बयान भी हुए हैं, तो उन जो भी तथ्य आए हैं सबूत और बयान के आधार पर उस प्रकरण में धारा 307 का इजाफा किया गया है, चूँकि हथियार भी उपयोग हुआ है तो संबंधित आर्मशेप की धाराएँ भी लगी हैं और इसमें आगे जांच की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य आएंगे साफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या नाम है इनका आरोपी का जिनके ऊपर धाराएं बढ़ाई गई हैं? ये आरोपी अबुल कलाम करके हैं, इनके विरुद्ध ये कार्रवाई हुई है, पहले से FIR दर्ज थी जिसमें जांच के उपरांत ये कार्रवाई आगे बढ़ हुई है। थैंक यू सर।